हाँ तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम ओनली टेक्सोनोमी का इंट्रो, ये वीडियो ओनली टेक्सोनोमी के इंट्रो पे बना रहा हूँ मैं। तो टेक्सोनोमी का मतलब जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, टेक्सिक और नोमी से। तो टेक्सिक का अर्थ होता है ऑर्डिनली अरेंजमेंट, तो इसका मतलब हो गया जैसे किसी भी मतलब जैसे प्लांट के बारे में ले लो। तो पहले टेक्सोनोमी का अर्थ लेते हैं प्लांट्स के लिए, तो उसकी जैसे प्लांट्स की हो गई क्लास, ऑर्डर, किंगडम वगैरह, वो सब हो गए ऑर्डरली, ठीक है। ऑर्डर फिर लो का अर्थ हो गया नियम, तो ये हो गया कि क्लास, डिवीजन, किंगडम, उसके अंदर डिवाइड करने के नियम। मतलब टेक्सोनोमी के अंदर प्लांट्स की या ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, स्टडी है, वो सब आ गई। मतलब तो ये टर्म दी थी एपीडी केंडल ने, ठीक है। और इसकी स्टडी टेक्सोनोमी की, टेक्सोनोमी में जैसे किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्टडी इस स्टेप में होती है कि पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एफिनिटीज हो गया। ये मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, पहले उसकी पहचान होती है, फिर नोमेनक्लेचर, नामकरण होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है उसका, और फिर एफिनिटीज, एफिनिटीज में जैसे उसकी रिलेशनशिप देखने को होती है कि जैसे कोई भी प्लांट है तो उसकी सिमिलरिटीज दूसरे प्लांट्स के बारे में, प्लांट की लंबाई है या फिर वो ऑयली मतलब है कि प्लांट है, उस हिसाब से उसकी एफिनिटीज देखी जाती है इसके अंदर। हाँ तो अब आगे हम देखते हैं जैसे कि टेक्सोनोमी की मतलब ब्रांचेज उसके बारे में देखते हैं। टेक्सोनोमी का फादर तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है, और ये स्टेप्स मैंने बताए थे, ये स्टेप्स किसी भी प्लांट के बारे में आइडेंटिफिकेशन, नॉमन कल्चर है, क्लासिफिकेशन है, एफिनिटीज है, सिमिलरिटीज है। फिर है सिस्टमेटिक टेक्सोनोमी, तो ये टेक्सोनोमी की एक ब्रांच है, मतलब इसके हिसाब से प्लांट को डिवाइड किया जाता है, मतलब ब्रांचेज के हिसाब से अलग अलग ब्रांच में अलग अलग डिस्क्रिप्ट होता है प्लांट के बारे में। तो ये भी एक टेक्सोनोमी की ब्रांच है, ये टर्म दी थी लिनिस ने। और इसके अंदर होता है जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है वो ओनली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचना, बाहरी करेक्टर्स को देख के पहचाना जाता है कि ये किस मतलब क्लास का है, इस हिसाब से बाहरी करेक्टर्स के आधार पर कितना पहचान सकते हैं। फिर है न्यू सिस्टमेटिक्स, ये भी टेक्सोनोमी की सेकंड ब्रांच है, तो ये टर्म्स दी थी जूलियन हक्सले ने। और इसके अंदर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, एनाटोमिकल और मॉर्फोलॉजिकल। मतलब एनाटोमिकल आ गया किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का आंतरिक संरचना, और एक्सटर्नल भी आ गया मतलब मॉर्फोलॉजिकल, दोनों डिस्क्राइब होती है इसके अंदर। एनाटोमिकल और एक्सटर्नल दोनों डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर, दोनों की व्याख्या होती है इसके अंदर। और फिर आता है तीन नंबर पे बायोसिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स, ये मतलब एक न्यू सिस्टमेटिक्स का ही मॉडिफाइड ब्रांच है, बायोसिस्टमेटिक्स या न्यू सिस्टमेटिक्स। तो ये टर्म दी थी कैंपेन केली ने, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब तो जान गए ना कि मतलब एनवायरमेंटली क्या इवोल्यूशन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्या उसका जेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी हो गई है इसके अंदर आता है। बायोसिस्टमेटिक या नियो सिस्टमेटिक के अंदर टू थर्ड ब्रांच होती है टेक्सोनोमी की, और इसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी इवोल्यूशन की और जेनेटिक रिलेशनशिप की मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में होती है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहीं पे देखने को मिलती है सबसे ज्यादा पे, मतलब ये क्वेश्चंस के हिसाब से, एग्जाम ऑफ्यू के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से लिखा है मैंने नोट लगा के यहाँ पर। तो ठीक है, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन टेक्सोनोमी का, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे, धन्यवाद।